नमस्कार दोस्तों, WCD गुजरात रिक्रूटमेंट 2023 देखो नई भर्ती निकल के आई है गुजरात के अंदर। गुजरात वुमेन जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। अगर जो भी इसमें महिलाएं हैं गुजरात के अंदर, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, उसके लिए वैकेंसी जारी की गई है आंगनबाड़ी के अंदर। आपको मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूँ इसके अंदर किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है और कौन इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है। तो गुजरात के लिए भर्ती निकल के आई है गुजरात वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है। आंगनबाड़ी जो हेल्पर एंड वर्कर होता है उनके जो फोरम है वो शुरू हो चुके हैं। अब देखो इसमें WCD है उनके द्वारा जो विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट है उनके द्वारा ये वैकेंसी रखी गई है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी रखी गई है। आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, शैक्षणिक योग्यता वो क्या मांगी गई है, आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, आयु सीमा वगैरह, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अब हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं जो आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए वर्कर के लिए जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बॉडी की स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि जैसे भी कोई नई नई भर्ती आती है आपको 5G दुनिया स्टडी न्यूचल पे मिलेगी। देखो किसी भी राज्य की जो छोटी भर्ती है या बड़ी भर्ती है मैं पूरी जानकारी बताता हूँ 5G दुनिया स्टडी न्यूचल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब हमारे स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, आपको पूरी जानकारी बताता हूँ जो आंगनबाड़ी भर्ती के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया गुजरात के अंदर। स्क्रीन के ऊपर चलते हैं तो दोस्तों आ चुके हैं बॉडी स्क्रीन के ऊपर। देखो आंगनबाड़ी के अंदर न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया, जो WCD आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2023 की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखो जो बोर्ड है गुजरात वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जो सेक्टर है उनके द्वारा इसका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। गुजरात के द्वारा जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें वैकेंसी निकल के आई है। अलग अलग जो गुजरात के अंदर जो जिले हैं उसमें अलग अलग ये वैकेंसी निकल के आई। अब देखो इसमें जो पोस्ट रखी गई आंगनबाड़ी जो हेल्पर एंड वर्कर होता है उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया उन पदों के लिए। अब आगे बात करते हैं, देखो इसमें टोटल वैकेंसी वो कितनी रखी गई है WCD आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। देखो इसमें टोटल वैकेंसी रखी गई है 10,400 इसमें पोस्टें रखी गई, काफ़ी बड़ी भर्ती निकल के आई है आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर। जॉब लोकेशन है गुजरात, गुजरात के लिए भर्ती जारी की गई नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। इसमें देखा एग्जाम डेट, आपका एग्जाम नहीं लगेगा, जो भी इसके लिए फॉर्म फिल करेगा आंगनबाड़ी के लिए इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई एग्जाम नहीं लगेगा। 10,400 पोस्टें रखी गई है। आगे बात करते हैं, देखो इसमें आपके फॉरम कब से स्टार्ट है, फॉरम कब तक वो भरे जाएंगे। अब देखो स्टार्टिंग फॉरम है, फॉरम शुरू हो चुके हैं, फॉरम 8 नवंबर 2023 से शुरू हो चुके हैं। फॉरम भरने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 30 नवंबर तक आप फॉरम फिल कर सकते हैं, यानी फॉरम है ऑनलाइन भरे जाएंगे। जो भी स्टूडेंट इसके लिए फॉरम फिल करेगा आंगनबाड़ी के लिए WCD आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए 8 नवंबर से फॉरम शुरू हो चुके हैं और 30 नवंबर तक फॉरम वो भरे जाएंगे। जो भी भरेगा फॉरम, ऑनलाइन आवेदन रखे गए हैं, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखो आवेदन करने की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, देखो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी इसमें रखी गई है फॉरम फिल करने के लिए। जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, जो अलग अलग कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार की कोई इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है वो नहीं रखी गई। जो भी WCD आंगनबाड़ी के लिए अप्लाई करना चाहता है किसी भी प्रकार की आवेदन फ़ीस है वो नहीं रखी गई है। इन्हें आपका पेमेंट होगा, आपको किसी भी प्रकार का आपका कोई पेमेंट है वो नहीं देना है। आगे बात करते हैं, देखो आपकी आयु सीमा वो क्या रखी गई है। एज लिमिट की बात करते हैं आंगनबाड़ी के लिए, आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आयु सीमा कम से कम देखो 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष इसमें रखी गई है। जो भी 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष का स्टूडेंट है वो फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें देखो श्रेणी के अनुसार जो भी उम्मीदवार है उनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जिन वर्गों को सरकार के द्वारा जो छूट दी गई है आयु सीमा के अंदर उनको छूट मिलेगी, 18 से लेकर 33 वर्ष का स्टूडेंट है वो फॉर्म फिल कर सकता है। आगे देखो इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता वो क्या मांगी गई है आंगनबाड़ी के लिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, इसमें देखो आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से, देखो इसमें अलग अलग जो पद निकाला गया है वर्कर के लिए और हेल्पर के लिए। इसमें देखो आंगनबाड़ी वर्कर के लिए 12वीं पास रखी गई है और हेल्पर के लिए 10th पास रखी गई है। 12वीं पास तो वर्कर के लिए है और हेल्पर के लिए 10th पास रखी गई है। आप पासिंग होना चाहिए और आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए तभी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं WCD आंगनबाड़ी के लिए। आगे देखो आपका सिलेक्शन है वो कैसे होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। अब देखो आप इसके लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक मिल जाएगी अप्लाई करने की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना या टेलीग्राम चैनल उससे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं आंगनबाड़ी के लिए, आंगनबाड़ी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चयन है उसके 10वीं और 12वीं की जो अंक है प्रतिशत अंक उसके आधार पर किया जाएगा। देखो इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई एग्जाम नहीं लगेगा, आपके 10th और 12th की जो प्रतिशत है, आपकी जो परसेंट बनी है 10th के अंदर और 12th के अंदर, 10वीं और 12वीं के अंदर, उसके आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। फिर इससे आयोजन नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार के कोई एग्जाम नहीं लगेगा इसमें। इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वो वेरिफिकेशन होंगे,
वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। अंत में आपके फाइनल मेरिट है वो जारी की जाएगी, फिर उसके बाद में आपको इसमें नौकरी मिलेगी आंगनबाड़ी के लिए। तो इस प्रकार से इसकी जानकारी ये रखी गई है WCD आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। और मेरा वीडियो पसंद आया, आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो आपने अभी तक नहीं किया, 10,400 पद निकाले गए हैं, अच्छे पद निकाले गए हैं। नोटिफिकेशन आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना या व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी।